नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। हम आ चुके हैं बॉलीवुड की 10 खबरें लेकर। मुंबई में फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म की पूरी टीम इस मौके पर मौजूद थी। वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर के साथ नीतू कपूर इस फिल्म से कमबैक कर रहे हैं। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। मुंबई में पद्म विभूषण संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शामिल हुईं। 10 मई को पंडित शिव कुमार का निधन हुआ था। ऐश्वर्या राय बच्चन कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरने के बाद भारत लौट चुकी हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए हैं। पिछले कई सालों से ऐश्वर्या कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक करती नजर आई हैं। मुंबई में फिल्म जुग जुग जियो के ट्रेलर रिलीज के समय अहमदाबाद, दिल्ली और जयपुर में भी फिल्म का ट्रेलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिलीज किया गया है। इन तीनों शहरों के दर्शक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के इवेंट से जुड़े और फिल्म के सितारों से सवाल पूछे। मुंबई में एक्ट्रेस सई मांजरेकर ने अपनी आने वाली फिल्म मेजर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया और अपने परिवार और खास दोस्तों को फिल्म दिखाई। फिल्म मेजर मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म 3 जून को रिलीज होगी। हिंदी और दक्षिण भारत में चल रहे भाषा विवाद पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि भाषा विभाजन में विश्वास नहीं करता। मुझे इस बात से नफरत है जब कोई कहता है कि दक्षिण उद्योग या उत्तर उद्योग, हम सभी एक ही उद्योग हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि ऐसे अंग्रेजों ने हमें बांटा है और राज किया है, लेकिन हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा। दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन पर फिल्मकार करण जौहर ने अपनी राय देते हुए कहा है कि कोई इंडस्ट्री अलग नहीं है, सभी इंडस्ट्रीज भारत की हैं। अब दक्षिण भारत की फिल्में हिंदी बेल्ट में अच्छा काम कर रही हैं, जो बहुत खुशी की बात है। मैंने फिल्म बाहुबली को हिंदी में पेश किया है। खबर आ रही है कि सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से उनके जीजा आयुष शर्मा बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आयुष ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन एक दिन शूट करने के बाद फिल्म छोड़ दी। सूत्रों की माने तो फिल्म छोड़ने की वजह क्रिएटिव डिफरेंस बता रहे हैं। भूल भुलैया 2 ने पहले वीकेंड में जबरदस्त कारोबार किया है। अब यूट्यूबर और फिल्म क्रिटिक KRK ने ट्वीट कर कहा है कि सीक्वल के लिए पहले अक्षय कुमार से संपर्क किया था, मगर अक्षय ने 110 करोड़ रुपए मांग लिए थे, जिसकी वजह से अक्षय की जगह कार्तिक को कास्ट किया गया है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार से दौड़ रही है और उसी रफ्तार से कार्तिक भी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। दर्शकों का रिएक्शन देखने के लिए कार्तिक ने मुंबई के कई सिनेमाघरों में चक्कर लगाए और दर्शकों से रूबरू भी हुए। जाहिर है कि इससे भी फिल्म का अच्छा प्रचार हो रहा है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।